Sensing Academy. Today we are going to discuss another session on function. Please watch all the previous lecture on function. This is the lecture number 2. So please watch video lecture number 1 before watching lecture number 2. We are going to discuss today about the domain and range of the function. The domain and range of the function. What is domain and what is range of the function? So domain, codomain and range. To understand this, let me start with the mapping. First I am going to introduce mapping before understanding, discussing this domain and range. Try to understand what is mapping. Mapping kya hai? So mapping kya hota hai? और इससे थोड़ी सी मदद मिलेगी आपको डोमेन और रेंज समझने में. मैपिंग क्या है? इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये होता है ये फंक्शन एफ सेमीकोलन ए टू बी इज डिफाइंड Define if every element of A must associated with unique element in B. Every element of A must associated with unique element in B. इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप ध्यान दें तो ये चीज है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए बी में, लेकिन कैसा एसोसिएशन होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. मतलब ए के किसी एक एलिमेंट का अगर बी में एक से ज्यादा एसोसिएशन है तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. मतलब ये कि अगर मैं ये सिर्फ कह दूं ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसमें सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस टी और 1 का एसोसिएशन पी के साथ है, 2 का क्यू के साथ है और 3 का आर के साथ और एस के साथ दोनों के साथ है, तो हम इसे कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज पिछले दिन भी हमने बताया था जब डेफिनेशन फंक्शन का किया था तो ये बताया था कि एक का यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. एक्स के हर एक पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड है. अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा तो डिफाइंड नहीं है. लास्ट क्लास में हमने ये बात डिस्कस किया था. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको सजेस्ट की जाती है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें Before watching this. तो ये दो एसोसिएशन है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं. अगर ऐसा कोई है ए और ये बी, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखा है 1, 4, 9, 16, 25 and 36 और ये लिखा है कि इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है और आपको यहाँ पे कुछ 5 का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं. इसमें 5 का एक ऐसा एलिमेंट है 5 ए में जिसका इमेज नहीं है बी में, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए वाली करेक्टर इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ए का एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका बी में कोई एसोसिएशन नहीं हो तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता. ये दो बातें. एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए. तो कैसे डिफाइन होगा? अगर ये मैं लिखूं ए सेट है, ये सेट बी है, ये 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक दिस और 1 का एसोसिएशन 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है और 5 का 10 है, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? आप बताइए इस डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है? ए का बी में एसोसिएशन है, फंक्शन एफ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है? है. क्यों? ए के हर एक एलिमेंट का
ज्यादा नहीं है। ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है? अगर मैं मेकेनिज्म में जाऊं तो बोलूंगा कि fx is equal to 2x, ट्वाइस हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 हो रहा है। ये डिफाइंड है fx is equal to 2x टाइप से, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है यहां पे, और यहां पे एक 12 भी है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका a से कोई एसोसिएशन नहीं है, ये चलेगा, ये हो सकता है, क्योंकि a के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी है, b के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी नहीं। मतलब ये कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब a के हर एक एलिमेंट का b में कोई ना कोई एसोसिएशन होगा। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? इस एसोसिएशन को कहते हैं इमेजेस। 2 क्या है? 1 का इमेज है। 1 क्या है तब? 2 का प्री इमेज है। अगर ये इमेज है तो ये क्या है? प्री इमेज। 2, 4, 6, 8, 10 are called images of 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Here 2, 4, 6, 8, 10 are called images of 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Right? Respectively. ये चीज defined है। ये फंक्शन डिफाइंड है क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अगर ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। हम ये कहेंगे मैपिंग के हिसाब से कि ये फंक्शन डिफाइंड है, और यहां पर ये 2 4 6 8 8 2 क्या है? 1 का इमेज है। 4 क्या है? 2 का इमेज है। 6 क्या है? 3 का इमेज है। 8 क्या है? 4 का इमेज है। और 10 क्या है? 5 का इमेज है। तो अगर 2 इमेज है तो 1 क्या है? 1 प्री इमेज है। 1 क्या है? 2 का प्री इमेज है। 2 क्या है? 4 का प्री इमेज है। 3 क्या है? 6 का प्री इमेज है। सो 1 2 3 4 आर प्री इमेजेस ऑफ 2 4 6 8 10 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 are called pre-image of 1, 2, 3, 4, let me write this and then write down. So what is codomain here? Codomain is
नथिंग एल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6, 8, 10 and 12 दिस इज ए कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. सो डोमेन क्या होता है? ए के एलिमेंट्स. कोडोमेन क्या होता है? बी के एलिमेंट्स. ए के एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं, बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन कहते हैं. तो रेंज किसे कहते हैं? अब सवाल है कि रेंज किसे कहते हैं? रेंज किसे कहेंगे? बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन सब का प्री इमेज नहीं है. कुछ ऐसे हैं जिसका प्री इमेज है, ठीक है. मान लो ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है. ये कह लो कि 9th क्लास में सबका, 10th क्लास के बच्चों का 9th क्लास में एक फ्रेंड है, लेकिन ये एक है जिसका कि 9th क्लास में कोई फ्रेंड नहीं है. तो जिसका कम से कम एक फ्रेंड है 9th क्लास में, ये कह लो, तो उसको हम कहेंगे रेंज. यानी बी के उन एलिमेंट्स के सेट को हम रेंज कहेंगे जिसका ए में कम से कम एक प्रीमेज है. कम से कम एक प्रीमेज जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा जाता है कि प्रीमेज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. प्रीमेज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इमेज एक से ज्यादा किसी के संभव नहीं है, वो परमिसिबल नहीं है. अगर एक से ज्यादा इमेज हुआ तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. प्रीमेज एक से ज्यादा हो सकते हैं. तो रेंज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? रेंज के बारे में हम कहेंगे कि रेंज किसे कहेंगे? तो रेंज, लेट मी राइट, इफ रेंज, रेंज की बात करें, रेंज क्या है तो ये हो सकता है रेंज. रेंज इफ एफ ए टू बी फंक्शन ए टू बी डिफाइन, then the set of elements of A, the set of elements of B, elements of B which has at least one preimage in A, at least one preimage in A, called range. Called range of the function. Range of the function. मतलब यहां पर रेंज क्या होगा इस फंक्शन के लिए? आप बताएंगे रेंज क्या होगा? रेंज होगा 2, 4, 6, 8 और 10. इसमें 12 नहीं आएगा. इसमें 12 नहीं आएगा. इससे क्या पता चलता है? कि रेंज में एलिमेंट्स को डोमेन से कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते. मतलब रेंज में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे को डोमेन में तो होंगे ही होंगे. को डोमेन में जितने होंगे वो सारे रेंज में हो जरूरी नहीं है. को डोमेन क्या है यहां पर? को डोमेन है 2, 4, 6, 8, 10 और 12. यानी इस सेट के रेंज के सारे एलिमेंट को डोमेन में है, और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं. याद है आपको सेट थ्री में पढ़ा होगा, ठीक है. तो सेट थ्री में पढ़ा होगा कि अगर ए और बी दो सेट ऐसे हैं जिसमें ए के हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. तो रेंज का हर एक एलिमेंट अगर कोडोमेन में है तो रेंज को क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. सबसेट का ये सिंबल होता है, याद है आपको, कोडोमेन. रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है. ये बात याद रख सकते हैं. या तो रेंज में एलिमेंट्स कोडोमेन से कम होंगे या बराबर होंगे, कभी ज्यादा नहीं हो सकते. रेंज और सबसेट का जो रिलेशन है वो ये होता है. अब सवाल ये है कि हमने डोमेन सीख लिया, कोडोमेन सीख लिया, रेंज सीख लिया, क्या ये बराबर भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं. ये सेट ए है,
ये सेट B है, इसमें A B C D E है और इसमें P Q R S T है और ये सबका इमेज ऐसे है, ये इमेज ऐसे है, ये इमेज ऐसे है, ये इमेज ऐसे है। A का इमेज P है, B का इमेज Q है, C का इमेज R है, D का इमेज S है और E का इमेज T है। तो रेंज भी यहाँ से को डोमेन क्या होगा, यहाँ पर डोमेन होगा A के एलिमेंट्स, मतलब क्या डोमेन होगा, वो होगा A B C D E और को डोमेन क्या होगा, को डोमेन होगा वो क्या होगा बताओ, B के एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, B के एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि को डोमेन होगा P Q R S T और रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा P Q R S T जिसका कम से कम एक प्री इमेज हो। तो इन सबका कम से कम एक प्री इमेज है, इसलिए रेंज भी वही है, को डोमेन भी वही है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि रेंज और को डोमेन दोनों बराबर है, ठीक है, रेंज और को डोमेन दोनों ही बराबर है, दोनों एक जैसे हैं, रेंज और को डोमेन बराबर भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या रेंज होगा वो को डोमेन का सबसेट होगा। हर स्थिति में बराबर है तब भी एक सबसेट है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सीखते हैं हम कि ये फंक्शन के क्या टाइप्स हो सकते हैं और रेंज और को डोमेन हम कैसे निकालेंगे। एक बात दिमाग में रख सकते हैं कि फंक्शन में अभी हमने कहा कि एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्री इमेज एक से ज्यादा होने की स्थिति में वो फंक्शन कुछ दूसरे तरह से डिफाइंड होगा। तो हम जल्दी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक वन टू वन फंक्शन ये क्या है, इफ फंक्शन ए टू बी इज डिफाइंड such that elements of B has no, every elements of B elements of B cannot have more than one preimage, cannot have more than one preimage in A. तो ऐसे हम define करेंगे, इसको हम कहेंगे one to one function. And one to one function कैसा होगा? ये set A है, ये set B है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ लिखा है P Q R S like this. और ये इमेज है इनका, तो हम कहेंगे कि ये वन टू वन फंक्शन है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए ऐसा हो और बी ऐसा हो, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे लिखा हो 1, 4, 9, 16, 25 और 36 इवन, या 5 या ना हो मान लीजिए, तो क्या ये भी वन टू वन फंक्शन है? हाँ, ये भी वन टू वन फंक्शन है। बी में खाली हो भी सकता है और खाली नहीं भी हो सकता है। खाली कितना हो सकता है? क्या 1, 2, 3, 4 कितने भी खाली हो सकते हैं? Because आपको पता चलता है कि co-domain में कितने भी elements हो सकते हैं, range में वही specific elements होंगे जो जिनका कम से कम एक pre-image A में होगा, ठीक है? तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? One to one function. दोनों ही फंक्शन क्या है? वन टू वन फंक्शन। और वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। द वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड
called injective function. Injective function. One-to-one function is also called injective. And now, subjective function. One-to-one के बाद में सीखते हैं many-to-one function क्या होता है? Many-to-one function, ठीक है? अब ये सी बात है, नाम से ही काफी है। यहाँ पे एक का एक association किसके साथ था? एक के साथ था। अब हम सीख रहे हैं many-to-one function। इसका मतलब क्या हुआ? कि कई का एसोसिएशन सिर्फ एक के साथ होगा और ये कैसे हम डिफाइन करेंगे ये देखिए इफ ए फंक्शन ए टू बी इज डिफाइंड सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी which has more than one pre-image in A, then that function is called many to one function. ये है एक सेट A, ये है एक सेट B, 1, 2, 3, 4, 5 और ये है PQR. इसका भी इमेज ये, इसका भी इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका भी इमेज ये और इसका इमेज ये. तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? हाँ है. डेफिनेशन के हिसाब से हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन है. कैसे यूनिक एसोसिएशन है जी? वन का एसोसिएशन किसके साथ है? पी का. टू का एसोसिएशन किसके साथ है? पी का. थ्री का किसके साथ? क्यू का. और फोर का किसके साथ? पी का. और फाइव का किसके साथ? आर से. इसका मतलब है कि सबका यूनिक एसोसिएशन बी में है, इसलिए ये भी फंक्शन डिफाइंड है और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मेनी टू वन फंक्शन. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये है ए, ये है बी, 1, 2, 3. इसमें लिखा है 1, 4, 9, 16, 25 लाइक दिस. वन का इमेज बी वन है, टू का इमेज बी वन है, थ्री का इमेज फोर है, लाइक दिस. तो क्या ये भी डिफाइंड है? हाँ ये भी डिफाइंड है. ये फंक्शन मेनी टू वन होगा. मेनी टू वन फंक्शन इसको हम कहते हैं और ये फंक्शन भी डिफाइंड है, राइट? सो इस तरह से फंक्शन दो तरह के प्राइमरी होते हैं. एक वन टू वन फंक्शन और दूसरा क्या होता है? मेनी टू वन फंक्शन. मेनी टू वन, मेनी हैज एसोसिएशन विद वन और एक से ज्यादा को हम मेनी कहते हैं. मेनी का मतलब एक से ज्यादा. तो एक से ज्यादा का एसोसिएशन अगर एक एलिमेंट के साथ है तो उसे हम कहते हैं मेनी टू वन फंक्शन. दो तरह से और फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है, जल्दी से सीख लेते हैं. देखो एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का घर का नाम है, इसको प्यार से कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन. सब्जेक्टिव फंक्शन जैसे वन टू वन को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव. वैसे ही ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सब्जेक्टिव. ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे? ए फंक्शन इफ ए फंक्शन ए टू बी इज डिफाइंड सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी has at least one pre-image in A. At least one pre-image in A. Image in A. Every element of B has at least one pre-image in A. Then function is called onto. Function is called onto function. Onto function. फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. जैसे ये देखो, ये है फंक्शन सेट ए और ये है बी, 1, 2, 3 पी क्यू आर, ऐसा कुछ एसोसिएशन है. इसमें एक भी खाली नहीं है तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है. ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू कैरेक्टर का है. ऐसे ही अगर ये हो ए, ये है बी, इसमें भी एक फंक्शन डिफाइंड है 1, 2, 3 और ये है पी क्यू,
ये इसका इमेज है, तो ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कैरेक्टर का है। ऑन टू का मतलब हो गया कि दोनों में, इसमें और इसमें, बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बी के हर एक एलिमेंट का ए में कम से कम एक इमेज होना, प्री इमेज होना चाहिए, कम से कम एक प्रीमेज, इसका प्रीमेज ये, इसका प्रीमेज ये, इसका प्रीमेज ये, इसका दो प्रीमेज है, वो भी संभव है, लेकिन बी में भी खाली नहीं होना चाहिए। तब सवाल ये है कि अगर बी में खाली हो तो क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो ये हम मिटा के यहां पे लिख देता हूं, इनटू फंक्शन, इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। नेक्स्ट, इनटू फंक्शन, और इसका कोई नाम नहीं, अल्टरनेट नाम नहीं है, इसलिए इनटू फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट देयर एक्जिस्ट, मिटा के पूरा लिख देता हूं, इज डिफाइंड सच दैट, सच दैट देयर एक्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, इन बी विच हैज, विच हैज नो प्री इमेज इन ए, नो प्री इमेज इन ए, राइट। बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ए में कोई इमेज प्री इमेज ना हो, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। थ्री पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, ये इसका इमेज है, ये खाली है, बी में जब खाली होगा तो हम उसे इनटू फंक्शन कहेंगे। ये है ए, ये है बी, 1 2 3, और ये है क्या, तो पी क्यू आर एस टी कुछ लाइक दिस, 1 2 इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसमें तीन तीन खाली है, कम से कम एक खाली होना चाहिए, तो एक खाली कम से कम अगर होगा तो हम उसे कहेंगे इनटू फंक्शन। ये है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये है इनटू फंक्शन, ठीक है। मतलब ये कि इनटू फंक्शन 1 to 1 ही हो सकता है, ये 1 to 1 भी है ना, और इनटू बी है, पूरा नाम इसका होगा 1 to 1 इनटू फंक्शन, ये मेनी टू वन भी है और इनटू बी है, तो इसका नाम होगा मेनी टू वन इनटू फंक्शन। इसी तरह से 1 to 1 इनटू और 1 to 1 ऑन टू बी हो सकते हैं, जैसे ये है ए और ये है बी, तो ये 1 2 3 पी क्यू आर, ये 1 to 1 है और क्या है, ऑन टू कैरेक्टर का है। ऑन टू क्यों, क्योंकि बी में एक भी खाली नहीं है, तो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो पूरा नाम हो गया 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 को क्या कहते हैं बच्चों, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, तो जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है, कैसे पता करेंगे कि मेनी टू वन है कि 1 to 1 है, इस पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और अभी जितनी बात हमने बताई है वो भी आप समझ चुके होंगे और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो स्पीड के साथ तो आप इस वीडियो को दोबारा सुने, दोबारा तीसरी बार सुने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें लिखें, हम जरूर उसको क्लियर करेंगे। हमारा मेल आईडी है arvindsinghacademy@gmail.com, और सब्सक्राइब करें जैसा कि आप किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए, और लगातार वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।